हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फूड जंक्शन। और आज हम आपको लेकर आए हुए सूरत सिटी के अडाजन एरिया में आनंद मॉल रोड के बहुत ही फेमस जी दादा आउटलेट पे। और आज हम एक बहुत ही यूनिक डिश ट्राई करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अभी कौन सी डिश बनाने वाले हो? उंडियो। ओके, तो चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए उंडियो। तो दोस्तों ये देख सकते हो शकरकंद है, ये गुजरात की एक स्पेशल डिश है जिसका नाम है उंडियो। और इसके अंदर कई सारी सब्जियां डाली जाती है, देख सकते हो दोस्तों। रेडी कर लिया है कट के शकरकंद, और ये जाएगा तपेले के अंदर। और ये है आलू। तो भैया इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। आधा घंटा, ओके। पहले गया शकरकंद और अभी ये जा रहा है आलू। और ये है बैगन। आपका कितने सालों से ये स्टॉल है? 120। ओके, 120 सालों से आपका ये स्टॉल है, राइट? ओके। और ये है अभी दोस्तों कन है, इसको कहते हैं रतालू, जो विंटर के अंदर ज्यादा मिलता है, जो अभी कट के जाएगा तपेले के अंदर। और ये है ग्रीन बीन्स, उसको गुजराती में कहते हैं पापड़ी, ग्रीन बीन्स। देख सकते हैं दोस्तों ऐसा आता है, ये ग्रीन बीन्स इसको कहा जाता है। और इसको भी कट करके छिलके उतार के इसके अंदर डाल दिया जाता है। और ये है ग्रीन धनिया। और ये है ग्रीन लहसुन। तो दोस्तों उंडियो बनाने के लिए ये पतीला भी रख दिया, और इसके अंदर अभी पानी भी डाल दिया है। अभी ये जाएंगे सब ग्रीन सब्जी, पहले ये डाल रहे हैं ये ग्रीन बीन्स, देख सकते हो ये गर्म पानी के अंदर गया ग्रीन बीन्स। और अभी ये जा रहा है बैंगन, अभी ये जा रहा है इसके अंदर रतालू, आलू और शकरकंद, तीनों मिक्स किया है, देख सकते हो रतालू है, शकरकंद है और आलू है। पकाने में कितना टाइम लगेगा अभी ये? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा, ओके। मतलब ये उबलेगा, पानी के अंदर उबलेगा। ओके। ये पानी में सब सब्जी डाल दी है, तो अभी इसके ऊपर ये जाएगा ढक्कन। तो दोस्तों देख सकते हो ये पूरा पानी था वो निकाल दिया है, और ये सब्जी पानी के अंदर पूरी उबाल दी है। अब इसके अंदर जाएगा तेल, देख सकते हो पूरी सब्जी है और इसके अंदर वो गया तेल। नमक, हाँ डालो, ये है नमक। ये है हल्दी, हरी मिर्ची, ये हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक का, अदरक डाला हुआ है। ओके, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है ये। ओके, जीरा और अजमई, अजमई, जीरा और अजमा का पाउडर। हाँ, ये मीठी के मुठिया है। हाँ, मीठी और डाला और बेसन डाला इसके अंदर, बेसन। और ये दूसरा क्या डाला? शक्कर, शक्कर, ये अभी शक्कर है।
ये जो मुठिया है वो बेसन से बनेगा, बेसन और मेथी की भाजी मिला के और थोड़ा मसाला इसके अंदर डाल के ये मुठिया बनते हैं और इसको फ्राई किया जाता है। और ये अभी जा रहा है इसके अंदर लीला लहसुन, हाँ ये हरा धनिया है, हाँ इसको ढक देंगे। ओके ले लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारा उंडिया पक चुका है, इसके अंदर मसाला डाल दिया है, पहले तो उबाला पानी के अंदर और बाद में 20-25 मिनट तक इसको ढक्कन ढक के रखा पकने के लिए और वापस मसाला डाल के इसको वापस ढक दिया 2-4 मिनट के लिए। और अब ये मिक्स हो रहा है अच्छी तरह से, देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर है सब्जी का। स्विगी और जोमेटो पे भी डिलीवर करते हो? करते हैं। ओके करते हो, ओके। तो कोई भी इंडिया के खाने के लवर्स है, कोई भी फ्रेंड्स, तो उसको ये वीडियो जरूर टेक करिएगा। तो हो गया रेडी? हाँ। तो दोस्तों रेडी हो गई है पॉपुलर डिश गुजरात की उंडियो, देख सकते हो। तो दोस्तों रेडी हो गई हमारी ये डिश उंडिया की, और इसके ऊपर पूरा ग्रीन धनिया और ग्रीन लहसुन से गार्निश किया गया है। ये जो डिश है वो जनरली पूरी रोटी या पराठा के साथ सर्व किया जाता है और एक बहुत ही फेमस डिश है गुजरात की। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। क्या लाजवाब टेस्ट है, एक सब पूरी ग्रीन सब्जी का एक बढ़िया सा फ्लेवर उठ के आ रहा है और इसके अंदर ढेर सारा मसाला भी डाला है। इस सब्जी खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों आप भी ये डिश यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगली फूड जर्नी के अंदर, तब तक के लिए बाय।